बेकारे अमने सिमरण में सुख भारी बेकारे अमने सिमरण में सुख भारी सिमरण में सुख भारी भैया सिमरण सुख भारी बेकारे अमने सिमरण में सुख भारी बेकारे अमने सिमरण में सुख भारी आ सिमरण माज लगी जा रे तन में लगी तंत विसताली भाई ओ लगी तंत विसताली सिमरण माज लगी जा रे तन में लगी तंत विसताली भाई ओ लगी तंत विसताली गोपी सन्न भरत रिया रटिया गोपी सन्न सोड़ सलिया रे घर नारी भाया सोड़ सलिया रे घर नारी दे करे अमने सिमरण में सुख भारी दे करे अमने सिमरण में सुख भारी कारे अमने सिमरण में सुख भारी दे कारे अमने सिमरण में सुख आ गुरु को ध्यान लगो सिमरण में लियो पहला दुधकारी गुरु को ध्यान लगो सिमरण में लियो पहला दुधकारी भाई ओ लियो पहला दुविसारे कष्ट जयो सिमरण नहीं छोड़ियो कष्ट जयो सिमरण नहीं छोड़ियो लीनी मोग से ललकारी भाई रे लीनी मोग से ललकारी दे करे अमने सिमरण में सुख भारी दे करे अमने सिमरण में सुख भारी सिमरण में सुख भारी भाई रे सुख भारी दे करे सिमरण में सुख भारी दे करे सिमरण में सुख भारी राजा हरि चंद्र रानी तारा दे नीस घरे पणिया रे राजा हरि चंद्र रानी तारा दे नीस घरे भाई ओ नीस घरे पणिया रे कसया श्वास श्वास लगा सिमरण में श्वास श्वास सबा तन भोग बिसारी भाई रे सबा तन भोग बिसारी दे करे अमने सिमरण में सुख भारी दे करे अमने सिमरण में सुख भारी आ सिमरण मौज लगी उरी अंदर दिन दिन नर अवतारी भाई ओ दिन दिन नर अवतारी सिमरण मौज लगी उरी अंदर दिन दिन नर अवतारी भाई ओ दिन दिन नर अवतारी सिमरत राम जपो अजंबा सिमरत राम जिनरे घटरी बलियारी भाई रे जिनरे घट बलियारी दे करे
शिमारण में बेकारे हमने शिमारण में सुख भारी शिमारण में सुख भारी भाई रे सिमा सुख भारी बेकारे हमने कारे हमने सिमारण में सुख भाई ये आहा आ, हमने सिमरण में सुख भारी जो भगवान रा सिमरण में सुख है वो सुख स्वर्ग में ही नहीं जो मने तो स्वर्ग लोक री आशा करे पण अटे मृत्यु लोक में जो भगवान रो सिमरण करे जन्ने भगवान रो सिमरण री लागोड़ी है और जन्ने वो सुख प्राप्त हुए है वो सुख अटे स्वर्ग में ही नहीं और संसार दुखी क्यों है अरे कोई कहे कि फलानो आदमी सुखी आदमी है और इन संसार में कोई सुखी नहीं है पूरा संसार में कोई तो गांव री बात करे कि भाई अन गांव में इतना सुखी है कोई कहे कि अन जो अन राज्य में अन जिला में और सुखी आदमी है फलाना अन महात्मा कहे कि अन संसार में पूरा संसार में कोई सुखी नहीं सुखी तो वो है जने आप रो मन जीतियो है कि भगवान रो स्मरण में लागुड़ा है वो सुखी है और बाराती देखी जाए कपड़ा बढ़िया पहरवाने गाड़ी मोटर चलाना हलवाने मकान बंगला है पर वे अंदर ती है बारा सुखी देखी जाए पर भीतर ती दुखी है माए कोई कोई दुख लागू रहे वास्ते संसार में सुखी कोई नहीं राजा दुखिया प्रजा दुखिया दुखिया सब संसार तन धर सुखिया जो शरीर धारण की दो है जने देह धारण की दिए देखो मारा गर्भ में आयो वो सुखी नहीं है देखो भगवान रो मंदिर बनावे माता जी ठाकुर जी महादेव जी कोई भगवान रो मंदिर बनावे और मंदिर बनावे जर उन्हें माते के एक धजा दंड सड़ावे अरे भगवान रे कान नो दंड एक भाई धजा दंड सड़ावनो पड़े मन करे तो दंड वे भगवान रे कान नो दंड पण क्यों दंड होनार माते लागू वे जदे उन्हें देह धारण की दी के दंड लागू हुए देह धारण करे मारा घर में आवे उन्हें देह धारण करे तो दंड ले देह धरी का दंड है लागे है सबको देह धरी का दंड वे तो है नहीं लागे देह धरी का दंड है लागे है सबको ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए ज्ञानी वे तो ज्ञान द्वारा भुगते और मूर्ख वे तो रोवे रोवे भुगते तो जदे संसार दुखी क्यों है अरे राम जी री भक्ति बिना जो राम जी रा भक्ति ती बिछड़ी हो रहा है वे दुखी है जो राम जी री भक्ति में लागू रहा है वे सदा सुखी है देखा हमने सुमरण में सुख भारी सुमरण माज लगी जारे तन में लगी तंत्र विज ताली गोपी सुन भरतरी रटिया सोड़ सलिया घर नारी राजा गोपी संत भरतरी जना वे सुमरण भी मौज लागी राजपाट घर बार छोड़ी ने आप निकली जर पचे धरू को ध्यान लगो सुमरण में धुरु जी महाराज रो ध्यान सुमरण में लगो धरू को ध्यान लगो सुमरण में जद लियो पहला विचारी पहला भक्त विचार की दो धके आगे माहू पहला धुरु जी महाराज हुआ जने सिमरण की दो जना ने अटल पदवी मिली तो वे पहला भक्त कह रहे सुमरण में जो एड़ो अत्रो सुख है जना ने अटल पदवी मिली धरू को ध्यान लगो सुमरण में जद लियो पहला विसारी कष्ट सहयो सिमरण नहीं छोड़ियो दुख सहन की दो पण मने सुमरण नहीं छोड़ियो अरे ना कुछ कहे कि मैं देख खड़कती मारो पहलाद भक्त ने पर्वत भाकरती गिराया होली में जलाया कई तरह उमड़ा ने कष्ट दी दो पण जने सिमरण नहीं छोड़ियो एक थोड़ी बात में सिमरण प्रो सूटे वो सिमरण नहीं है और नकल है
भगवान रा सुमरण में लागवन पातो एक थोड़ी तकलीफ कष्ट पड़ी उनके सुमरण छोड़ दिए, वो सुमरण नहीं है नकल है। कष्ट सहयो सिमरण नहीं छोड़ियो जद ली नहीं मोक्ष ललकारी, मैंने कष्ट सहन कीधो पर भगवान रो सुमरण नहीं छोड़ियो जरे मैंने मोक्ष ललकारी, मोक्ष की कर लीधी ललकारी इनके आओ कोई रोकने वाला वेदन। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा दे निज घर पनियारी, श्वास श्वास लगा सिमरण में तो सब तन भोग बिसारी, मणि शरीर ने शरीर नहीं गणी सब तन भोग बिसारी, ला देखा हमने सुमरण में सुख भारी। सिमरण माज लगी उर अंदर, उर नाम हृदय रो है, जन ने हृदय में जो मौज सुमरण लागी है वो सुख तो वे गाने अपन मन शुक्र उठा नहीं। सिमरण माज लगी उर अंदर वे दिन दिन नर अवतारी, वे मन का अवतार में भले आया है, बस बीजे मन की मिजाज भले करो के मैं मनक हूं, और मनक तो कदे वे मैं मानवता वे जदी मनक मनक बनो मनक तो मन करी मानवता वे वो मनक है, मनक री नेशन नहीं मनक रो नक्शो मनक नहीं बे। सिमरण माज लगी उरे अंदर वे दिन दिन नर अवतारी, दिन ने वे एक बार नहीं दिन दिन ने वे नर अवतार भले आया है। सिमरत राम के जपो अजंपा जन घटरी है बलियारी, जन्ने घट में राम जी रो नाम है वन घटने बलिये, मनक तो गणाई है पर जन्ने हृदय में राम जी है वो मने वननी बलियारी है। तो मैं थोड़ी बूटी नौकरी लाव जाए सदूज में पी कॉपी वे तो कॉपी नौकरी नहीं तो सा नौकरी ला नहीं तो सा नौकरी कॉपी नहीं वे नरेश सुमरण ईश्वर करे वे कई करे कोई भी भगवान रा नाम रो मंत्र बनाई उड़ा है, महात्मा रा बनाई उड़ा मंत्र है, कोई 12 अक्षर रो कोई 8 अक्षर रो कोई 5 अक्षर रो कोई 2 अक्षर रो सब मंत्र बनी उड़ा है। द्वादश अक्षर कोई 12 अक्षर रो मंत्र, द्वादश यानी 12 अक्षर रो मंत्र है। ओम नमो भगवती वासुदेव 12 अक्षर रो मंत्र है जो नारद मुनि ते रुजी महाराज ने रटायो तो यूं मंत्र जो है वे कहीं करे कि गिनती और जाप करे, मंत्र जो रटे वे रोजी ने है जो गिनती क्रीन करे, पर भगवान में अतिशय प्रेम लागी जदे पसे वे गिनती बीजी नहीं रहे, चटाउदी भगवान भगवान में प्रेम नहीं है जतरे गणिन माला करे के रोज री इतनी माला करनी, और जन जन भगत रे जन संत रे और जन भक्त रे पूरी भगवान रो प्रेम लागी पसे गणतरी हणतरी नहीं रहे, क्योंकि हिसाब तो कटे करे कि नीम प्रेम वे बटे हिसाब वे प्रेम री जगह हिसाब नहीं वे, तो जन जन भगवान नु प्रेम लागी बटे पे माला रो हिसाब नहीं रहे गणित माला नहीं करी। तो वो कदे छूटे शुरुआत में कोई भी अभ्यासी संत वे कोई भक्त वे माँ जर भक्ति भी शुरुआत करे नी जरे गणिन माला करे पद दन दन वो हसामंती सुमरण करे सुमरण पुख्त हो घना वर्ष सुमरण करे पद अच्छी तरह उन्हें प्रेम लागे जर रू रू में माए उन्हें शब्द बोलवा दी सोंग बोलूं सूतो लियो जगाई
श्वास श्वास सोंग बोलू सुतो लियो भैया सुतो लियो जाए रे वैराग विभूति तन मारा रे वैराग विभूति तन मने काया में वंदे रे बधाई भैया काया में काया में मेरे फिरा गई राम काया में मेरे फिरा गई राम ए फिरा गई राम दुआई वाया मैं दुआई काया में मेरे फिरा गई राम काया में मेरे फिरा गई राम तो निंदरा नहीं आवे जागृत सोम सदाई सोम तो निंदरा नहीं आवे जागृत सोम सदाई भाइयो जागृत सोम सदा जागृत सपने सपने जागृत जागृत सपने सपने जागृत ऐसी सारी दसलाई भाइयो ऐसी तो दसलाई काया में मेरे फिरा गई राम काया में मेरे फिरा गई राम ए फिरा गई राम दुआई वाया फिरा गई राम दुआई काया में मेरे फिरा गई राम दुआई काया में मेरे फिरा गई राम शत्रु रे मिंत्र मिंत्र शत्रु शत्रु तो मिंत्र सवाई शत्रु रे मिंत्र मिंत्र शत्रु शत्रु तो मिंत्र सवाई आयो शत्रु तो मिंत्र सवाई राजा रंग रंग वीर राजा अबरे आत्म सुख भाई भाइयो अबरे आत्म सुख भाई काया में मेरे काया में मेरे फिर गई राम दुआई ए फिर गई राम दुआई वाया फिर गई राम मैं दुआई काया में मेरे फिर गई राम दुआई काया में मेरे फिर गई राम पगविना नृत्य करे नित नारी करविना ताल बजाई पगविना नृत्य करे नित नारी करविना ताल बजाई भाइयो करविना ताल बजाई अनहंद ढोल घुरै बैद में अनहंद ढोल घुरै बैद में सिमरता सुने रे सदाई भाइयो सिमरत रे सदाई काया में मेरे फिरा गई राम काया में मेरे फिरा गई राम दुआई फिरा गई राम दुआई वायो फिरा गई राम दुआई काया में मेरे फिरा गई राम दुआई काया में मेरे फिरा गई राम ए सत्यनारायण भगवान काया में मेरे फिर गई राम जी राम जी का स्मरण ज्यादा करे घना वर्षों तक जर सुमरण वो सुमरण जो है वो सुमरण पुख्त पर होवे जून होवे रू रू में आवाज बोलनी माने पहला तो जबान ने माते जोर लगाना पड़े नवो नवो अभ्यासी है नी भगवान की माला फेरे नाम लिए जर ने रे दिन याद करना पड़े ने पसे याद करवारो काम नहीं वो तो अपने आप में थी आवाज आवे रू रू में थी आवाज आवे सबरी जो वीलड़ी थी जन जंगल में सबरी झोपड़ी बनावी तपस्या करता वन्ने अद कोस माते है वन्ने सबरी दी आश्रम थी अद अद कोस माते झाड़ कोरा पत्ते पत्ते राम राम रो आवाज आवे
जो जंगल है तो सबरी तपस्या करती, पर जंगल में दरकत था, पर झाड़ करा पत्ते पत्ते राम रो आवाज आता था। कारण के वटे वने सुमरण घणो की राम नाम रो रटन ज्यादा की दो। देखो वो जंगल है वो एरियो ही सब राम नाम की पूर्ण वेगी। परमात्मा के श्वासो श्वास, एक श्वास खाली जाए नी तीन लोग रो मोल गणिया। महात्मा भजन करवा वाला कहे कि एक श्वास खाली जाए तीन लोग रो मोल जाए। मणि ईज नहीं की वहां पे ईज कहां पर मणि ईज नहीं की। स्वातो स्वाहा सोहंग बोलूं सूतो लियो जगाई, ग्रह वैराग विभूति तन भर काया में वाटे बदई। अरे काया में मेरे फिर भी मन महात्मा, अरे काया में बदई वाटे रात बन चौबीसो घंटा बदई काया में मेरे फिर गे राम दुआई। तो फिर कहे सोऊं तो निंद्रा नहीं आवे जागृत सोऊं सदाई। भजन करो वाला महात्मा कहे कि सोऊं तो ही मुंह तो जागता जड़ो जू, क्यों करना सुमरण सालू रे हुता वे। सोऊं तो निंद्रा नहीं आवे जागृत सोऊं सदाई, जागृत सपन सपन है जागृत। महात्मा के जागता वही सपनो ही है, ने सपनो है वही जागता ही सही, वो नो एक ही है। जागृत सपन सपन है जागृत। तो अब ऐसी रीत सलाई महात्मा के अपने, तो ऐडी रीत सलाई काया में मेरे फिर गई राम दुआई। शत्रु मित्र मित्र शत्रु शत्रु मित्र सवाई। भजन करवा वाला आत्मज्ञानी वे शत्रु ने मित्र गणे, मित्र ने शत्रु गणे। ओके के कु शब्द वैर को त्यागे, कोई कु वैन प्रो वावे उन सहन करना। भक्ति करनी है भगवान ने रीजा बना है, अपनी आत्मा ने राजी करनी है। अगर भक्ति रे अंतिम पद तक जो पहुंचना है तो कह रहे कोई आदमी कालदार में बॉन्ड निकले जड़ो शब्द प्रभाव है तो उन्हें सहन करना। सह को शब्द वैर को त्यागे और सोड़ो मान गुमाना, ये रीज है निरंकार की कैद मुलुक दीवाना। भगवान ने रीजा वो तरीको है। जदे महात्मा के एक शत्रु मित्र मित्र शत्रु शत्रु मित्र सवाई, राजा रंग रंग भी राजा बना तो राजा ने रंग कहेंगे एक बार, राजा रंग रंग भी राजा तो ऐसी भी अब आत्म सुख पाई। अरे काया में मेरे फिर भी राम दुआई। महात्मा कहे वे ध्यान में बैठा रे बना रे माए बाजा बाजे रिया है वे बना रो वही सुने रिया है। वे महात्मा कहे के पदवीना नृत्य करे नित नारी कुण सुरता नुरता बटे नृत्य करे बजे आनंद भोगवे। बीजी मंदरी वर्तियां वे बहन पीली पीली पड़े, जी कोई बीमारी लागे की कर पीली पड़े, जी अनारी वे सहेलियां है वे बीजी मंदरी वर्तियां तो पीली पीली पड़े, ने ए दो है जो सूरत नूरत नृत्य करवा लागे। बाराती वे पीली की कर पड़े, एक बाराती देखी जाए महाराज रे कहा उदास है फलौना वो भगत यूं की करे भगत रे कहा वे बारह यूं देखी जाए उन्होंने के कालो वोक पागल वोक मोड़ो वोक मोजो पीदो भांग पीदी अन कारण बीजी वर्तियां पीली पड़े पर मना माए जो आनंद वे सुरता नूरता गई वे माए नृत्य करे रही है। पग बिना नृत्य करे नित नारी कर बिना ताल बजाई, अनहंद ढोल भूरे बे हद में सिमरत सुने हैं सदाई। अरे काया में मेरे फिर गी राम दुआई। बोल सतगुरु देव सत नारायण भगवान। अरे दरारे सरी की हम जाज मरे राजी रे ए जे ए राज मरे राज रे रे जे ए रंगी राव ठकी राई रे जारा रे धागा कबुए न टूटे रे Ah
पाव अयोध्या में दरिया मोई उदासी साता जद में पाव अयोध्या में दरिया मोई उदासी साता आडवाट समझड़िया दिसे आडवाट समझड़िया दिसे दिसे लोक मुरी जाता हो जरनी राम कटे अरे दिसे लोक मुरी जाता हो जरनी राम कटे पूछे भरत कुछ लाता हो जरनी राम कटे सुना राजे सिंहासन सुना काद सरस्वती राजा सुना राज सिंहासन सुना काद सरस्वती राजा दिस नई जनकी रिजाई दिस नई जनकी रिजाई कामेरा लक्ष्मण भ्राता हो जरनी राम कटे मेरी माता अरे कामेरा लक्ष्मण भ्राता हो जरनी राम कटे मेरी माता आप जब भरत कुशी लाता हो जरनी राम कटे मेरी माता लाता हो जरनी राम कटे मेरी माता राम लक्ष्मण गया जदे में घर होता तो जावत उनरी साता राम लक्ष्मण गया जदे में घर होता तो जावत उनरी साता दिन दिन ना हो मेरा लक्ष्मण भैया दिन दिन ना हो मेरा यार है तो सियावर पासा हो जरनी राम कटे मेरी माता अरे रे तो सियावर पासा हो जरनी राम कटे पूछे भरत पूछ लाता हो जरनी राम कटे मेरी माता दिख दिखाओ मेरी माता के काई आ कहीं कब दे कमाई दिख दिखाओ मेरी माता के काई आ कहीं अरे अरे आ कहीं कब दे कमाई ठाकुरी राज सकरी ना सेवा ठाकुरी राज सकरी ना सेवा बूढ़ी तो रसिए विदाता हो जरनी राम कटे आ बूढ़ी तो रसिए विदाता हो जरनी राम कटे आ पूछे भरत पूछ लाता हो जरनी राम कटे मेरी माता राम लक्ष्मण देखिया बिना मन प्रे अग्नि सताता राम लक्ष्मण देखिया बिना मन प्रे अग्नि सताता जो हती दशरथ भट्ट रानी जो हती दशरथ भट्ट जलकुनी नरी साता हो जरनी राम कटे अरे जलकुनी नरी साता हो जरनी राम कटे अरे पूछे भरत कुशलाता हो जरनी राम कटे भरत कुशलाता हो जरनी राम कटे मेरी माता अरे सा कोई
पर सोऊं तरण विसावूं अन नीर नहीं पाता। वही पर सोऊं तरण विसावूं अन नीर नहीं पाता जननी पाता। धन तुलसी के प्राण पतियो धन तुलसी के शरण कमल शीतला था ओ जननी राम। अरे शरण कमल शीतला था ओ जननी राम। आप दे भरत पुछला था ओ जननी ए हाँ। भगवान ने जिद वनवास हुआ रामचंद्र जी ने रात से लेकर टाइम वो तेरे के एक माता की कई को बागली देता। तो आ बात तुलसीदास जी महाराज रामायण जो लिखी है पण कई कई शास्त्र तुलसीदास जी का बीजा बड़े है। तुलसीदास जी महाराज कुल 13 ग्रंथ बनाया है। तुलसीदास जी महाराज एक तुलसीकृत रामायण ही बने अंत अलावा 12 शास्त्र भले बीजा है। तुलसीदास जी महाराज रा बना योड़ा 13 ग्रंथ है। वे 13 शास्त्र जो पूरा ग्रंथ देखियोड़ा वे वो रामायण नो थोड़ो कुछ समझ सके। वे पूरा है तुलसीदास जी महाराज रा बना योड़ा है शास्त्र देखियोड़ा वे तो वो रामायण वासवा वाला कभी मन में कोई शंका नहीं। भगवान राम सुंदर जी जरा बच्चों बेला छोटी अवस्था में छोकरों बेला सरजू नदी रे किनारे रमवा जाता। भगवान है सरजू नदी रे किनारे छोकरों बेला रमता जब कदी दशरथ जी कदी लक्ष्मण कदी माता कौशल्या जी बोलावा जाता तो भगवान धके बरा दौड़ता पकड़वा नहीं देता था। पर माता केकई जाता उनते मना नहीं पकड़वा देता बीजन पकड़ावता नहीं था क्योंकि केकई ने राम सुंदर जी भगवान राम रे ऊपर केकई ने प्रेम ज्यादा था। केकई रा पुत्र तो भरत है राम सुंदर जी तो कौशल्या रा पुत्र है पर स्वतः केकई ने राम रे ऊपर प्रेम वधारे तो चार से लोग आया औरतों जनाना बेहरदार बेड़ाविन बेहता जरे वार वार घड़ी घड़ी में केकई मारा राम बात बात में कहता मारो राम पर ही नहीं कहता मारो भरत क्यों राम रे ऊपर केकई ने प्रेम वधारे। एक दिन रे समय केकई आए जरे भगवान ने छोकरों बेड़ा रमता था सरजू किनारे केकई बुलावा गया तो भगवान धके दौड़िया केकई लारे दौड़े पण पकड़ावे नहीं। केकई कह रहे हदे तो मने ही पकड़ा आज तो मने ही अपड़वा नहीं दिए तो सेटे गया भगवान सेटे जाए उबारिया माता केकई पहुंची उन टाइम के मां एक काम करना जदे मारी उम्र वे मुँह गादी लायक वो जो मने अयोध्या री गादी सुप्रत करनी मड़े वन टाइम आपने एक एक काम करना है। माता के कह के बोलो राम के उन टाइम आपने दुनिया भर रो को भाग लेना और जुगो जुग ने को भाग लेना है। बीजा अपने घर में मने गणाई है पर बीजारी इतनी जिगर नहीं है कि वे को भाग ले सके और ओ कौम आप भी बनी के भाई राम ने वनवास और भरत ने गजराज की लगी ओ कौम है माता की कही आपने करना पड़ी। पण के के जटे राम राज फलाना रे गांव में राम राज फलाना रे घर में राम राज राम राज कदे वे जटे काम क्रोध ने लोभे तीन भेड़ावे बटे राम राज नहीं वे। तो भगवान ने एक समय कही वो कि राजा दशरथ जी जो है राजा दशरथ ने काश में शौक वार देखवार शौक गुण तो राजा दशरथ एक दिन बैठा बैठा काश में आप मुंड जो है तो आप रे थोड़े के जो माता रा केस सफेद देखिया कौन रे गले गले सफेद केस देखिया। राजा दशरथ ने मन में विचार आयो जीतवा है सफेद ही नहीं आई है कोई वाल है जो मैंने कौन में खान की बात कहवा आया। राजा दशरथ विचार किधर है मारा सफेद वाल नहीं है ना कोई मैंने कौन में बात कहवा आया। अब मैं राम ने गाड़ी सुपुर्द करूं तो ठीक रहे क्यों तुम्हारी सफेदी आई अवस्था आई थी। तो राम सुंदर जी ने जरे मुहूर्त निकालियो भगवान ने वनवास दे रहे हो उन टाइम भरत जी ममाल में था आप रे ननाने था राम लक्ष्मण नो वनवास हो
और लारे दशरथ जी आप देह छोड़ दीजिए। राजा दशरथ देह त्यागी है, राजा दशरथ देह त्यागी है। तो राजा दशरथ रा प्रधान सुमंत है, सुमंत एक आदमी भेजियो भाई भरत जी ने अयोध्या बुलाओ, पर एरो आदमी बुलाओ जाओ के भरत जी ने था नहीं पर सही जे भगवान ने वनवास हुआ दशरथ जी देह त्यागी थी। अयोध्या आवे तेरे भरत जी ने था नहीं पड़े सतुर आदमी ने भेजो। आ तो भरत जी है मामाड़ो अयोध्या में आया, माता के कई कने आवे भरत जी कुशल पूछे। भरत जी के जद मैं पाव अयोध्या में धरिया मोए उदासी साता, माता ने अयोध्या में पकड़ी तो मन कर मुड़ा माता मैंने उदासी की कर देखी। जद मैं पाव अयोध्या में धरिया मोए उदासी साता, ए हाथ बाट सब जड़िया दिसे दिसे लोग मुरझा तो बाजार बंद की करे, लोग और मुड़ा फूल कलमी जी मुरझाई ओड़ा की करे। आठ बाढ़ सब जड़िया दिसे दिसे लोग मुर जाता जननी राम कटे मेरी माता, माता। अरे पूछे भरत पूछ लाता जननी राम कटे मेरी माता, माता, माता। सुना राज सिंहासन सुना कहाँ दशरथ सुत राजा, राजा। माता राज और राज सिंहासन से सुनने की कर लगे और राजा दशरथ रा सुत नाम बेटा राम सुंदर जी कहते ने मारो भाई लक्ष्मण भ्राता भ्राता के भाई लक्ष्मण कहते नहीं जन्नत मेरी जाए सीता जी देखी सीता नहीं है। और भरत कुशल पूछे सुना राज सिंहासन सुना कहाँ दशरथ सुत राजा, अरे दिसे नहीं जनक गिरी जाई कहाँ मेरा लक्ष्मण भ्राता, अरे जननी राम कटे मेरी माता। माता के कह रहे भरत मैं थारे आरू ठीक की दो थोड़े कावड़ हुए बीजे में हावड़ की दो। भरत के माता की कर कहा आप में धोखो बेतो तो के कई कह रहे भरत आप में माँ बेटा में धोखो बेतो तो पर आपने मने थोड़ी पहली था पड़ी मैं राजा दशरथ जी कनो भी वरदान मांगी उड़ाए मैं वरदान पूरो करे राम लक्ष्मण ने वनवास दे रही भरत थारे वास्ते अयोध्या री गादी है। भरत कह रहे माता थाने मौत नहीं आई ऐडी कबू जी क्यों आई राम ने वनवास माता थे तो राज करवारी बात करो पर जन टाइम भगवान वनवास में गया उन टाइम घरे नहीं तो जो मैं अयोध्या में रहता तो मोटे लारे नहीं रहते राम रे हाथ जा पर फिर भरत विचार करे भरत के नहीं मने भगवान हाथ नहीं ले जाए जा तो आते पर अत्रो मारी कमाई की दौड़ी नहीं है भगवान मने हाथ ले जावे कमाई तो दिन ने लक्ष्मण थारी कमाई ने तू भगवान रे पड़े रे मैं कर्म हीणू भगवान मने लारे छोड़ियो हाथ नहीं ले जाए। राम लक्ष्मण गया जब घर होता तो जावत उंगली साता, अरे दिन दिन वो मेरा लक्ष्मण भैया तू रे सियावर पास दिन रे लक्ष्मण थारी कमाई ने तू भगवान रे पड़े रे। फिर भरत जी कहे माता तू तो राज करवारी बात करो पर मारे मैं विदा तैयारी की दी है राम लक्ष्मण दे के अविना भ्रे अग्नि सताता दिख दिख हो मेरी माता के का या कहीं कबद कमाई भरत जी कहे माता तुम धिकार है एक बार ना तुम बार बार धिकार है भगवान ने वनवास दे रहे हो और मारे वास्ते और मैं थारे पेट आयो खराब है भगवान थारे कोख से मैंने जन्म नहीं देना तो अंदर वो है मारे कारण वो है अगर मुझ जन्म नहीं लीजिए तो राम में आज आदर्शा नहीं देती जद कह दिक दिक हो मेरी माता के कई आ कोई कब्ज कमाई अरे ठाकुर राज साकर बिना सेवा ओ धनिया वगैरह साकर मोटे बैठो मुकन्नी सेवा ठाकुर राज साकर बिना सेवा आ भूडी ऋषि विदाता भरत जी कह माता मन में विदाता खोटी की थी भूडी ऋषि विदाता जननी राम कटे मेरी माता अरे पूछे भरत पुछलाता जननी राम कटे मेरी माता। फिर भरत जी कहे मैं एक बार राम लक्ष्मण ने नहीं देखू आए भरत तो कहे राम लक्ष्मण ने नहीं देखू तेरे मारे काल जे होली लग राम लक्ष्मण देखे अविना ब्रे अग्नि सता था जो हती दशरथ पटराणी तू जली क्यों नहीं दिखा था तू कह मैं दशरथ जी कने वरदान मांगी पूरा किया तो एड़ी तू दशरथ जी पति व्रता पटराणी थी तो दशरथ जी हाथे सती लेना था हाँ जो हती दशरथ पटराणी तो तू जली क्यों नहीं दिखा था अरे जलनी राम कटे मेरी माता। अब भरत जी कहे मैं भगवान ने लारे जाऊं मैं एक बार राम लक्ष्मण ना दर्शन नहीं करूं जतरे जमीन माते होऊं घास पिसाऊं अन्न पानी नहीं लाऊं बोई पर सोऊं तरण विसाऊं अन्न नीर नहीं पाता धन तुलसी के प्राणपति शरण कमल शीतलाता आज तुलसी भगवान राम तो तुलसीदास जी का तो खास प्राण है धन तुलसी के प्राणपति शरण कमल शीतलाता शरणी जहां राम कटे मेरी माता। Thank you.
के सुन जाई सुना लक्ष्मण प्यारे भाई श्री राम के सुन जाई सुना लक्ष्मण प्यारे भाई पते वनवास पिता ने दिना वो वसन शीत धर लीना वो वसन शीत धर लीना वनवास पिता ने दीना वो वसन शीत धर लीना आओ वसन शीत धर लीना जनक सुता सुखदाई सुन लक्ष्मण प्यारे भाई जनक सुता सुखदाई सुन लक्ष्मण प्यारे भाई ए लक्ष्मण प्यारे भाई रे लक्ष्मण प्यारे यो लक्ष्मण प्यारे श्री राम के समझाए सुन लक्ष्मण प्यारे भाई श्री राम के समझाए सुन लक्ष्मण प्यारे आरे ले कभी दाता वो लिखी आरे ले कभी दाता नहीं दोष की काई माता वो लिखी आरे ले कभी दाता वो लिखी आरे ले कभी जनक सुता सुखदाई सुन लक्ष्मण प्यारे भाई जनक सुता सुखदाई समझाए सुन लक्ष्मण प्यारे भाई वो नहीं किसी का ही दीना वो नहीं रे किसी को अरे सुख दुख देव यदीना वो नहीं किसी को वे तो नहीं रे किसी का दीना जग मूरख जन बल माई सुन लक्ष्मण प्यारे भाई जग मूरख जन बल माई सुन लक्ष्मण प्यारे भाई ए लक्ष्मण प्यारे भाई रे लक्ष्मण प्यारे भाई रे लक्ष्मण प्यारे भाई श्री राम के रे समझाए सुन लक्ष्मण प्यारे भाई श्री राम के रे समझाए सुन लक्ष्मण प्यारे ये कर्म गति बलवाना भोगे बिना हो ये भोगे बिना होए नी होना कर्म गति बलवाना भोगे बिना होए नी होना भोगे बिना होए नी होना ब्रह्मानंद मन घबराई
सुन लक्ष्मण प्यारे भाई मानंद मन घबराई सुन लक्ष्मण प्यारे भाई ए लक्ष्मण प्यारे भाई रे लक्ष्मण प्यारे भाई यो लक्ष्मण प्यारे भाई श्री राम के रे समझ सुन लक्ष्मण प्यारे श्री राम के वे समझाए सुन लक्ष्मण प्यारे ये बोले राम चंद्र भगवान भगवान जो है भगवान रो वनवास हुआ तो भगवान ने गंगा किनारे पहुंचिया राजा दशरथ रा प्रधान सुमंत भगवान ने रथ लेन पहुंचवा गया था। दशरथ जी रो कहना था के ए सुमंत तो एक बुद्धि कर जे ऐसी बुद्धि उपजाओ के मारा राम ने सवदे घंटा फेरीन पाछा रा लावे सवदे दिन सवदे वर्ष रो वनवास है तो सवदे घंटा वनवास में रथ लेन जाओ फेरीन पाछा रा लावे। फिर राजा दशरथ कह रहे हे पर सुमंत शायद जो राम नहीं माने तो सब दे घंटा नहीं तो सब दे दिन फेरीन पाछा रा लावे एक वर्ष रो एक दिन गणो ये राम रे वास्ते शायद जो नहीं आवे भगवान मने ठाए के राम री हटेड़ी है भगवान जो सौदे साल पाछा राम सुंदर जी घरे नहीं आए तो यूं कर सीता जी ने ले आओ जी पास तो सुमंत है भगवान ने गंगा किनारे पहुंचाया वटे संगवेरपुर नाम नगरी गंगा किनारे संगवेरपुर नगरी जटे भीलोर राज भीलियो राज है वटे राजा गहू राज करे तो भगवान रो बटे खूब स्वागत की दो है भगवान रे वास्ते वे आदिन हुआ है तो भगवान रे वास्ते कहीं वो गंगा किनारे रात्रि टाइम हो तो वटे वो पर्दा अपनी कहीं ना संगवेरपुर नगरी राजा गहू तो जो भगवान रे वास्ते हाथरा बनाया राम और सीता जी रे हाथरा बनावे के हाग ए बीजा एड़ा पत्ता लाए मैं बिसात के लिए और भगवान रे वास्ते भाटा रा तकिया बीजा लगावे तैयार करे रात्रि टाइम में राम और सीता जी तो आप रे हाथरा में पहुंच जाए भगवान आराम की दो है उन टाइम में लक्ष्मण जी अलगा बैठा चौकी पोरो भरे और गहू राजा लक्ष्मण दो ही भाई बात करे वो संगवेरपुर नगरी राजा गहू के मन में दुख लागो बैठो बैठो रोवा लागो लक्ष्मण जी के भाई रोए की खे रोए का अयोध्या रा सम्राट जो राम आज जो है पत्थर रा तकिया करे ना जट पड़ी है राजमहल में राज भोगवा वाला जो आज बाटा रा तकिया बना भी टिपोड़ी है भगवान दुखी है लक्ष्मण के अवड़े अवड़े भाई राम दुखी नहीं है तो आपने लगे दुखी है अनारो तो कोई नाम लिए तो उन दुख पूरा कटे ये तो दुखी कारण है पर अनारो नाम कोई लिए दुख में अनारो नाम लिए दुख में हाँ तो दुख में नाम लिए तो दुख पूरा कटे तो अनारो दुख नहीं रहता है तो परिब्रह्म परमात्मा है मैंने क्या होगा परिब्रह्म परिपूर्ण परमात्मा मन टाइम केवट ओले हुआ था केवट की अरे परिपूर्ण परमात्मा केवट ने पूर्व अगला जन्म मेरी याद आई ओ भगवान विष्णु शिव समुद्र में पौड़िया था और लक्ष्मी जी भगवान शरणा की सेवा करता था उन टाइम मुकाशबो थे वो केवट ओले हुए हमलियो नहीं केवट कह रहे वन टाइम मुकाशबो थो मारी काशवाई जून थी मैं भगवान की शरणा की सेवा मांगी थी भगवान शरणा शरणा मत मांगिए तो जो लक्ष्मी जी मैंने सेवा नहीं दी थी लक्ष्मी जी मारो अपमान की दे दो वो अपमान भगवान ने सहन नहीं हुआ भगवान ने आप भगवान रो कोई अपमान करे सहन ब्रो करे पर भगवान रा भक्त रो अपमान करे तो भगवान सहन नहीं देता भगवान है विचार किधर आज तो काशबो मारो भक्त है आज ने लक्ष्मी जी काशबा रो अपमान की दे पर कोई न कोई जन्म में मोने सेवा रो मौको दे वाह बात केवट ने याद आई वंदन तो लक्ष्मी जी मने अपमान की दो पण एज लक्ष्मी जी रो अवतार सीता जी एज विष्णु भगवान रो अवतार राम अब हवार रा सेवड नाम में तो मुँह बैठा उजरे गंगा पार तो मुँह करू जरूर
फिर मैंने केवट मन में निराश हुआ कि मारी नाव रही कौन, भगवान तो बीजी नाव ही गणी है। तो छोटे गंगा किनारे जो नाव आती वे सब अपनी अपनी नाव श्रृंगारता था, कोई रंग कलर करे, कोई धजा पताका बोले, वो जाने भगवान जाने मारी नाव में भी, वो जाने भगवान मारी नाव में भी। और वो केवट गरीब आदमी है, उनकी नाव भी जूनी पुराने है, हाँ उनकी नाव भी जूनी पुरानी थी, भागी टूटी। और केवट घरे गयो, घरे जाए आप स्त्री ने बात की थी कि भगवान री शरण और सेवा रो मौको आयो तो, पर भगवान अपनी पुरानी नाम में नहीं बैठे, कई नावा तैयार कर रही है, वनो नाम में बैठो अपनी नाम में कौन भी है। केवट री स्त्री कह रहे मन में विश्वास नहीं है, कि दृढ़ विश्वास रखो तो थोड़ी नाम में भगवान जरूर बैठे। केवट कह रहे घणो विश्वास तो राखो पर की कर राखो। एक मन ने केवट ने बात याद आई कि एक समय में राजा गऊ ने जो मदद की थी, जंगल में राजा गऊ शिकार ने गियो और बटे तर लागी दे मोनिया दशा भूला, वन टाइम केवट के मैं पानी पायो तो, और गऊ राजा कहो तो केवट मांग, तो केवट के आज नहीं मांगू कभी मारे काम पड़ी जर मांग, तो हमें मौको आयो है। तो प्रभात रहा है रात भर, तो लक्ष्मण जी और राजा गऊ पोरो दीदे, प्रभात रहा राजा गऊ संगवेरपुर नगरी में गया कि मारी नगरी ने सेताओं जो भगवान का दर्शन करवा गांव रहेंगे लोग आवे, और राजा गऊ नगरी में जाए उन टाइम केवट हम मिलियो, अरे हाथ जोड़ी पगाम पड़ी, अरे हे कह तो कहे कि जंडन आप जंगल में भूला था, मैं आपने पानी पाई तो आप किया तो कि मांग अच्छा, हाँ तो मांग हमें के मांगे कहा जो आप हुक्म हालतो बैठे, तो आज की तारीख में अटे कोई मारी नाव सवार थे नाव नहीं लागनी चाहिए, आज री तारीख में मारी नाव सवार बीजी नाव नहीं लागनी चाहिए। तो राजा गौरव हुकुम हुआ कि भाई आज केवट री नाव सिराई कोई बटे नाव लगाओ जो मत, अबे केवट जोर आयो, केवट के हमें मारी नाव सवार बीजी नाव तो है, और नदी रे आदि वस में लेके नाव ने वो केवट बैठो है, किनारे नहीं लागे नदी रे वसो वस लेके नाव खड़ी की थी। अब भगवान है लक्ष्मण जी के लक्ष्मण, भगवान गंगा रो पूजन बीजो कर लक्ष्मण केवट ने बोला नाव वाला ने बोला अपन गंगा पार करे, लक्ष्मण जी आवाज दिया हाथी सारो करे, पर वो वटेज माए बैठो बैठो ना दिए कि मु तो नहीं आऊ। और लक्ष्मण जी घणो आगर कीधो जनते वो धीरे धीरे नाव किनारे लाई, किनारे लाई तो न तो भगवान रामा शमा करे न नमे, वो नाव में बैठ बैठ मजाक में एक साहब हूँ तो नहीं बैठा हूँ, क्यों भाई के मैं ऐडी हुनी है कि आप सरनारे माते जो रज आ सेटी धूड़ सेटी है और रज में जादू है, एडी होनी ओड़ी है कि जो गोतमरी नारी एलिया पत्थर री ओड़ी थी पतिरा श्राप थी, जो आप सरनारी रज लागवा थी वह नारी बने मोक्ष परी हुई मारी नावरी नारी परी बने तो मारे तो आ तो जीविका है। भगवान हसवा टूका के हाँ याद आई तो खरा ने, हाँ अगला जन्मरी ने याद आई तो खरा, भगवान कह रहे यू वेग नहीं वेग नहीं वे मने वह में आपरा सरना में कोई दोष नहीं है, आपरा सरनरिया रज जो माते धूर छेती अन्नो मने वे में, जो मारी नावरी नारी नावरी नारी प्री बने तो एक तो मारे घर में लुगाई एज नहीं बी वे तो पछे मैं तो गरीब आदमी रोटी नहीं दे रही। भगवान आखिर ताकिन के ले भाई शरण धोपरा बीजे तो कहो अंत ने धूर ज वे में तुम्हारा पग धोपरा तो के बार मुँह घरे जाओ। लक्ष्मण जी कह गए थे इतरो ने मौन दियो और तेर माते बड़े वो तो मैंने आराम आवियो तो कि मुँह घरे जाऊँ, घरे गयो तो एक लकड़ा री कदरोटी लेना आयो, मैंने केवट ने था तो भगवान रे सौदे साल रो वनवास है, जरे संन्यास धारण की दो संन्यास धारण करे नी वो संन्यास जटा तू दी उन्हें पूरा नहीं वे जितरे वो शरीर माते कोई धातु वस्तु नहीं अड़ावे, सोनो सांदी तांबो पीतल कोई धातु वस्तु संन्यासी रे अंग माते नहीं सही। केवट ने वो ज्ञान तो भगवान सर्दे साल रो संन्यास भी जोड़ो, जो भगवान ने कोई बीजो वर्तन लेगू तो भगवान उन्हें अड़े कोई वास्ते, वो केवट जान तो लकड़ा भी कतरोटी लाई केवट उन्हें लुगाई ने कह लकड़ा भी कतरोटी भगवान रा शरण धो अण में पानी सुई पासी अण में आप रोटी बनावा तो आप बुद्धि ठीक रही। अब वो केवट लेन आयो आवीन के ले भाई हमें तो धो क्यों मोड़ो करावे, तो कहू बारो मारी लुगाई आवे आवा दो के लक्ष्मण जी भगवान ने हम उपाड़ियो कि हमें थे इन्हें कोई को नहीं जीव तेर तेर माते बड़े हमें तो कहे के मारी लुगाई आवा दियो, पसे कहे मुँह पूरा कुटुंब ने आवा दियो, वो खतरी दूर अपन खोटी करी। भगवान के भाई लक्ष्मण री मत कर, गरज अपने अन्य थोड़ी जे गंगा पार तो अपने बहनों है, तो ओ हमें कहीं करे कि वो कासरती जमी थी अदर पकड़ी हाथ में
अब लोग भगवान का शरण धोआ और तैयार हुआ तो कहे गए मैं उबर हो आप भगवान के निशी तो मेल के ना बस यूं उबर हो गए। और भगवान कह रहे ये उबर मार पड़वारी भी आवे तो भी आवे तो मार माथो पकड़ो रो कहो भगवान रे भाई हाथ माथे दे रहा भगवान रे शरण धोए भगवान रे शरण वो केवटे जो शरण धोए उन टाइम रे माए दोनों हाथों पग मछले तो लक्ष्मण जी कहे भाई भगवान रा शरण कोमले थो तो जोर मती दे धीरे धीरे तो केवट के खबरदार था बोलवार अधिकार नहीं हम तो मारा हाथों में शरण है हम तो मारी जैसी जी करो। तो भगवान एक बार लक्ष्मण जी राम देखे एक बार सीता जी राम देखे क्योंकि वना देवर बजाई शरण की सेवा बहुत ही ओड़ी थी एक शरण की सेवा सीता जी करता एक शरण लक्ष्मण करता क्योंकि भगवान जरे भगवान रो जनकपुरी भगवान व्याह करी अयोध्या में आया रात्रि टाइम सीता जी महल में गया उन टाइम में लक्ष्मण जी आपरे भाई की सेवा करता था। सीता जी जैन उबा रिया सीता जी विचार किधर अतरी रात गिन अजी एना रे भाई रिया सेवा करे सीता जी जाए तो लक्ष्मण जी ने कियो कि अतरा दिन तो अन सरनारी सेवा आपरी थी पर हमें आज से आ सरनारी सेवा मारी है। लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधित हुआ कि आज ही तो पुण्य जी घर में आये ना आज ही धनिया अपनो करवा लगा मारो पुराणो कब्जो तोड़ावे मुँह कई वर्षों सेवा करूँ भगवान जी को आज से आ सेवा मारी। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए भगवान ने हम भाड़े भगवान ने हम भाड़ कारण हुआ तो कहो कि भाई भगवान ने कहे कहीं कहता कोई जितनी सीता जी भगवान राम देखे सीता जी देखो कारण भगवान ने भी कहे थे ने कोई को लक्ष्मण जी भगवान हाथ पेरिए कन्ने नहीं कहूँ हूँ कन्ने कहूँ ओ न्याय थारू गुरु वशिष्ठ करी तो गुरु वशिष्ठ कियो डावा शरण की सेवा सीता जी करी जीवना शरण की सेवा लक्ष्मण करी भगवान है केवट भगवान रा शरण धोए उन टाइम भगवान एक बार सीता जी राम देकर एक बार लक्ष्मण जी राम देखे थे भाई देवर बजाय एक एक पग शरण पोती आयो और ओ कतरो किस्मत धारी जो आज दो ही शरण धोवे रही है। भगवान ने नाव में बैठा है तो केवट उठा नाव रवाने की थी तो आप हमले किनारे नाव जावान हुई न के बन दिन नाव पासी फेरी। लक्ष्मण जी भगवान ने पूछे कि पासो की बड़ी कहने कोई चीज पोतरी हुई तो सन जा तो पास के पास इतने किनारे आवान वेन के बन नाव पासी फेरे। लक्ष्मण जी भगवान ने कहे हरान करे थे ने कोई को कोई भगवान कहे केवट नाव केवट ने कहे कि भाई तू घड़ी घड़ी में क्यों फेरा दिए के क्यों के मारे भाई रो स्वभाव अकड़ो नहीं है तो क्यों घड़ी घड़ी में फेरा मारे तो के थारे को 17 साल रो वनवास है सबदे साल रो तो सबदे साल में आपरे कोई नक्की है एड़ो फलानी तारीख ने फलानी जगह पहुंचनो कि ना एड़ो कोई नक्की तो नहीं है तो जरे आपरे का नाम में बैठा रहो मु कोई आपरे को भाड़ो तो मांगो कोई अरे भाई पण क्यों फेरा दिए तो केवट के के मने 84 लाख जीवा जून में मने फेरा खवाड़िया तो मैं तो नहीं कंटाला थी एक भी फेरा में कंटाला आयो दिन दिन बाग भाई संत पधारी आई भली उमर सुसियारी अंगने सपले सपल यारी काया अंगने सपले सपल यारी काया मुगल तनाई दातारी संत संतने बलिया रे
दसण किया दुर्मति होवे दूरी, दसण किया दुर्मति होवे दूरी, संगत किया सुखवारी, संत ने बलियारी। निर्मल नैण वेण यारा निर्मल शिल रंग सुसियारी, निर्मल नैण वेण यारा निर्मल शिल रंग सुसियारे, गैरा सिंधु या तंजल उड़ा, गैरा सिंधु या तंजल उड़ा, शोभा वर्णी न जाए वारी ओ संत, संत ने बले आरे। दर्शन की आदुर्मति होवे दूरी, दर्शन की आदुर्मति होवे दूरी, संगत की आसुखवारी, संत संत ने बले आरे। पचीस जारे अंग नहीं व्यापे, गम नहीं रहती नारे, पांच पचीस जारे अंग नहीं व्यापे, गम नहीं रहती नारे, काम करो दे सपने में नहीं व्यापे, काम करो दे सपने में नहीं व्यापे, अद्भुत जारी रहनी, संत संत ने वाले आरे। दर्शन की आदुर्मति होवे दूरी, दर्शन की आदुर्मति होवे दूरी, संगत की आ सुखवारी।